दोस्तों नमस्कार, YouTube पर आपका स्वागत है। आज हम लोग घंटा, मिनट, सेकंड का जोड़ तथा घटाना करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है, एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं, और इसी तरह से हमें किसी भी सवाल को कैसे करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि घंटा, मिनट, सेकंड का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। तो चलिए हम घंटा, मिनट, सेकंड का जोड़ शुरू करते हैं। घंटा देख रहे हैं, मिनट, सेकंड। तो घंटा के नीचे देखिए 12 लिखा गया है और मिनट के नीचे 56 लिखा गया है, सेकंड के नीचे 54 लिखा गया है। इसी तरह इसमें धन करके 11, 15 और 56 लिखा गया है। तो अब हमको इसको जोड़ करके लिखना है। तो जोड़ एकदम सेम सामान्य जोड़ों की तरह है, लेकिन थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे अगर सेकंड या मिनट 59 हो गया है या 59 से कम है तब तो हम उसको सेकंड के नीचे लिखेंगे, लेकिन अगर वह जैसे 60 हो जा रहा है तो हम 60 के ऊपर की राशि को हम उसको सेकंड को मिनट में, मिनट को घंटे में बदल करके लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए अब हमें 54 और 56 को जोड़ना है। तो 54 और 56 को जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हम 54 और 56 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 54 और 56 को जोड़ दिया। तो देखिए हो गया 6 4 10 हो गया, और ये हो गया 5 5 10 1 11, 110 110 सेकंड हो गया। अब 110 सेकंड हम उसके नीचे न लिख करके हम इसको लिख देंगे, पहले 110 सेकंड को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 का इसमें भाग कर देंगे। तो देखिए 60 एक के 60 हो गया, यहाँ पर आ गया 50, 50 सेकंड शेष बचा, और ये हो गया कितना, 1 मिनट। अब इसको हम लिख देंगे, ये हो गया 1 मिनट और 50 सेकंड। तो 50 सेकंड को हम सेकंड के नीचे लिख देंगे और मिनट को आगे मिनट में जोड़ देंगे। तो देखिए हम इसको इस तरह से इसको लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर हमने 50 लिख दिया और मिनट को आगे हम इसमें जोड़ना है। अब इसी तरह से हम 56 और 15 को जोड़ेंगे। तो देखिए 56 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 56 और 15 ये हो गया 6 5 11, 5 1 6 1 7 हो गया, और 1 मिनट यहाँ से इसको ले लेंगे तो हो जाएगा 71 1 72। जब 72 हो जाएगा तो 72 को हम क्या करेंगे, 72 को 60 से भाग देंगे तो हो जाएगा 60 1 60, यहाँ पर आ गया 12, आ गया 1 घंटा 12 मिनट। तो 12 लिख देंगे इसके नीचे, देखिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 12, 1 घंटा जो बचा तो 1 घंटे को हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, ये देखिए 2 1 3 और 1 घंटा इधर से, ये 4 घंटा हो गया, और यहाँ पर देखिए 1 1 2, इस तरह से आंसर आ गया 24 घंटा 12 मिनट और 50 सेकंड। इसी तरह से हम और भी प्रश्न को लेकर के हल कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल है दिन, घंटा, इसमें देख रहे हैं दिन, घंटा, मिनट और सेकंड। तो दिन, घंटा, मिनट, सेकंड लगा है में 15 दिन 23 घंटा 59 मिनट और 55 सेकंड, और नीचे इसमें जोड़ना है कितना, 11 दिन 22 घंटा 44 मिनट और 33 सेकंड। अब इसको आप सीधा सीधा जोड़ करके इसको भी लिख सकते हैं। देखिए तो 50 और 33 को जोड़ेंगे, देखिए 5 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया। अब इसमें हम 60 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 60 एक कम 60, यहाँ पर आ गया 28।
28 इसके नीचे लिखेंगे, 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 28 यहाँ लिख देंगे और 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे। देखिए 9 4 13 13 1 14 हो जाएगा। अब इसको भी लिख लेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 9 4 13 और 1 घंटा यहाँ से था तो हो गया 9 4 13 1 14 हो गया, 5 4 9 9 1 10 104 आ गया। अब 104 में हम फिर 60 से भाग करेंगे तो देखिए 60 यहाँ पर बचा 44, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 44 मिनट और 1 घंटा इसके साथ जोड़ देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 6 और देखिए ये 2 2 4 आ गया 46। अब ये 46 घंटा आ गया तो इसमें देख रहे हैं ये 46 घंटा हो गया और आगे देखिए भी दिन भी लिखा है तो 46 घंटे को अब हम दिन में चेंज कर देंगे। तो जब दिन में चेंज करें क्या हो जाएगा, तो हमें अब इसमें 24 से भाग देना है क्योंकि एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, तो 24 भाग देंगे। देखिए 24 1 24 हो गया, यहाँ पर बचा कितना, 6 में 4 गया 2 और यहाँ पर 2 आ गया, 1 दिन और 22 घंटा गया, 1 दिन और 22 घंटा गया, 1 दिन और 22 घंटा। अब हम आप इसको यहाँ पर लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 22, ये 22 हो गया। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर 5 1 6 हो गया, 1 घंटा यहाँ से मिला तो 6 1 7 हो गया और 1 1 2 हो गया, इस तरह से हो गया 27। तो इसी तरह से हम घटाना भी बहुत ही सरल ढंग से कर सकते हैं। अब घटाना करने के लिए हमें सेम इसी तरह से करना होगा, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, सेम घटाने में भी यही प्रोसेस है, लेकिन हमें थोड़ा घटाते समय ध्यान देना आवश्यक है। चलिए एक प्रश्न लेते हैं, चलिए देखिए लिखा गया है कि 23 दिन 3 घंटा 12 मिनट 15 सेकंड। फिर देखिए नीचे लिखा गया है, घटाना है 15 दिन 22 घंटा 56 मिनट 54 सेकंड। तो घटाने के लिए थोड़ा आपको इसमें देखिए करना क्या है, जैसे देखिए लिखा गया है 15 में से 54 को घटाना है तो आप इसको कैसे घटाएंगे, तो लिखेंगे 15 माइनस 54। अब चूंकि देख रहे हैं ऊपर की राशि छोटी है और नीचे की राशि बड़ी है, तो इसलिए इसमें से नहीं घटेगा। जब ये इसमें से नहीं घटेगा तो अपने बगल अर्थात तो मिनट से वह उधार लेगा, तो मिनट इसको उधार देगा कितना, 1 मिनट उधार देगा। जब ये 1 मिनट उधार देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 सेकंड ये और 15 सेकंड ऑलरेडी उसके पास था, तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 75। अब 75 में से हम 54 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 1 आ गया 2। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया देखिए 21 हो गया, यहाँ पर हमने 21 लिख दिया। इसी तरह से अब देखिए ये 12 मिनट था, तो 12 मिनट के बाद अब उसके पास कितना बचा है, केवल 11 मिनट। तो आपको अब क्या करना है, 11 मिनट में से 56 मिनट को घटाना है। तो 11 मिनट में से 56 मिनट को कैसे घटाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि 11 और फिर माइनस 56। अब देखिए 11 में से 56 नहीं घटेगा तो ये घंटे से उधार लेगा, तो घंटा इसको 1 घंटा उधार देगा, तो 1 घंटा उधार और ये 60 कितना हो जाएगा, 60 इसको और मिल गया, तो 60 प्लस 11 हो गया कितना, है ये हो गया 71। अब 71 में से 56 को माइनस करेंगे, जब 71 में से 56 को माइनस करेंगे हो जाएगा 11 से 6 गए 5 और यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बच गया 15, ये हो जाएगा 15 मिनट। अब आप क्या करेंगे देखिए, तो इस तरह से आपने यहाँ पर लिख दिया 15 मिनट, ये 15 मिनट हो गया। फिर देखिए अब घंटे के पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल बचा 2 घंटा, तो 2 घंटे में से अब 22 घंटे को घटाना है, तो 2 घंटे में से 22 घंटा नहीं घटेगा, तो इसको उधार लेना पड़ेगा, तो दिन से उधार लेगा, तो दिन इसको उधार देगा,
चूंकि एक दिन में 24 घंटा होता है तो इसलिए इसके पास कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 24 और 2 घंटा, ये कितना हो गया 24 दो 26, तो इसके पास हो गया 24 घंटा और 2 घंटा, ये तय हो गया बराबर 26 हो गया। अब 26 में से आपको करना क्या है, 26 में से 22 को माइनस करेंगे, 26 में से 22 को इस तरह से माइनस कर देंगे तो आ गया 4, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे 4, आ गया 4 घंटा। अब देखिए 23 घंटा था, 23 घंटे में से 1 घंटा ये उधार दे दिया, इसके पास अब केवल बचा 22, तो 22 में से आपको 15 को माइनस करना है, तो देखिए ये जगह 12, 12 से 5 गए 7, जिस तरह से घटाया जाता है सिंपल घटाना उसी तरह कर देंगे, तो कितना हो गया ये आ गया 12 में से 5 गए 7 आ गया। इस तरह से आपका उत्तर आ गया कि 7 दिन 4 घंटा और 15 मिनट तथा 21 सेकंड। इसी तरह से आशा करते हैं कि आपको अब कोई भी प्रश्न घंटा मिनट सेकंड का होगा तो वो आप उसको बहुत सरल ढंग से कर सकते हैं। चलिए कुछ इस तरह का एक प्रश्न लेते हैं जिसमें वर्ष दिया गया हो, दिन भी दिया गया हो, तब आप उसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए एक प्रश्न इस तरह का है, इसमें देख रहे हैं लिखा गया है वर्ष दिन घंटा मिनट सेकंड, तो वर्ष में देखिए लिखा गया 13 वर्ष, दिन में 13 दिन, घंटे में 13 घंटा, मिनट में 13 मिनट, सेकंड में 13 सेकंड, 13 वर्ष 13 दिन 13 घंटा 13 मिनट और 13 सेकंड। घटाने के लिए देखिए लिखा गया है 5 वर्ष 21 दिन और 22 घंटा 55 मिनट 46 सेकंड। अब इसको आपको हल करना है तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम सेकंड देख रहे हैं, लिखा 13 सेकंड और 46 सेकंड है, तो 13 सेकंड में से हमें 46 सेकंड को माइनस करना है, तो 13 सेकंड में 46 सेकंड को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 13 सेकंड में से 46 सेकंड को माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 46, 13 में से 46 घटाने के लिए अब यहाँ से हम 1 मिनट उधार लेंगे, तो जब 1 मिनट उधार लेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 और 13 ये 73 हो जाएगा। अब 73 में से आपको इसको घटा देना है, तो 73 में से देखिए घटा देंगे तो आ गया 13 में से 6 7 आ गया, और यहाँ पर हो गया अब 6 6 में से 4 गए 2, 27 सेकंड आ गया। अब देखिए इसके पास बचा 12 मिनट, 12 मिनट में से 55 मिनट को घटाना है, तो 12 मिनट घंटे से उधार लेगा तो 60 हो जाएगा, 60 और 12 ये हो जाएगा 72, तो 72 हो जाएगा, तो 72 में से अब हमें 55 को माइनस कर देना है, तो 12 से 5 गए 7 आ गया 17। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब इस तरह से हम इसको लिख देंगे आ गया 17 मिनट। इसी तरह से घंटे में देखें, घंटे में देखिए 12 घंटा लिखा गया, अब चूंकि इसके पास 12 घंटा बचा क्योंकि वह 1 घंटा उधार दे दिया, तो 12 घंटे में से 22 घंटे को घटाना है, तो 12 घंटे में से 22 घंटा नहीं घटेगा तो इसलिए क्या करेगा, यह दिन से उधार लेगा। तो अब देखिए दिन इसको किस तरह से उधार देगा, तो दिन एक दिन उधार देगा, अब चूंकि एक दिन में कितना घंटा होता है तो 24 घंटा, 24 घंटा और 12 घंटा इसके पास पहले से था ही, चूंकि इसके पास 12 घंटा पहले से था, तो देखिए 13 दिन था, यह 1 घंटा, 1 दिन इसको उधार दिए तो इसके पास हो गया 24 और 12, तो 24 और 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो जब 36 हो जाएगा तो अब 36 में समय 22 को माइनस कर देना है, तो 36 में से जब 22 को माइनस करेंगे तो 6 में देखिए 4 और यहाँ पर 1, इस तरह से आ गया 14 घंटा आ गया। अब देखिए आगे हमें यहाँ देखिए 13 दिन लिखा गया है और नीचे 21 दिन है, तो 13 दिन में से 21 दिन को घटा देना है,
तो 13 दिन में से 21 दिन को घटाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देख रहे हैं, अगर यहाँ पर महीना होता तो हम महीने से उधार लेते, क्योंकि महीने ना होकर के देख रहे हैं वर्ष लिखा गया है। तो वर्ष जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर वर्ष महीने का उधार देगा तो महीने 12 में 12 के हिसाब से लिखा जाएगा, लेकिन वर्ष दिन को उधार दे रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। तो 13 दिन है और वर्ष से जब एक उधार लेंगे तो वर्ष इसको कितना उधार देगा, या इसको एक वर्ष उधार देगा, तब एक वर्ष में कितना दिन होता है? एक वर्ष में होता है 365 दिन। तो यह इसको 365 दिन का उधार दिया, एक वर्ष दिया, तो इसके पास ये आ गए 365 हो गया। 365, और देखिए इसके पास था कितना? 12 दिन, तो 12 और जोड़ देंगे इसमें, ये हो गया 5 2 7, 6 1 7, और ये 3 377 हो गया। तो 377 कुल दिनों की संख्या हो गया 377। तो 377 में से अब आपको 21 दिन घटा देना है, तो 21 इस तरह घटाएंगे तो आ गया यहाँ पर 6 और यहाँ 5, यहाँ देखिए 3, इस तरह से आ गया 356 दिन। यहाँ पर अब आप लिख देंगे ये हो गया 356 दिन। अगर यहाँ पर महीना होता तो आप इसको महीने में चेंज करके आगे लिख सकते थे, क्योंकि अब इसमें महीना नहीं है, दिन के बाद डायरेक्ट वर्ष हो गया है। तो 13 वर्ष है, तो चूंकि यह एक वर्ष उधार दे चुका है, अब इसके पास केवल बचा कितना? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष में से 5 वर्ष माइनस हो जाएगा, तो 12 वर्ष में से 5 वर्ष माइनस घटेगा तो आ जाएगा 7। 12 वर्ष में से 5 वर्ष घटाएंगे तो आ गया 7 वर्ष। तो इस तरह से आ गया 7 वर्ष, 356 दिन, 14 घंटा 17 मिनट और 27 सेकंड। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट ज़रूर करना।